नमस्ते बच्चों, ब्लैक पब्लिक स्कूल से मैं पूजा शर्मा आपकी टीचर। क्लास थर्ड के चैप्टर वर्ण और वर्णमाला के अगली क्रम में हम चलते हैं। देखिए, बुक वर्क में सबसे पहले हमने क्या सीखा अभी तक, यह छोटे से छोटी ध्वनि जिसके वर्ण किसको कहते हैं, जिसके पूरे नहीं हो सकते, वर्णों का क्रमिक स्वरूप वर्णमाला कहलाता है। व्यंजन स्वरूप की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में सब ये सब चीजें एक्सप्लेन की थी। ड और झ का प्रयोग करते हुए एक शब्द बनाएंगे। चढ़ना, हल्का सा ड में अनुस्वार, यानी बिंदी अनुस्वार नहीं, इसको बोलेंगे बिंदी की चंद्र बिंदु के रूप में प्रयोग करते हैं, उनके एक शब्द बनाते हैं। डॉक्टर, रंग, चांद, देखिए व्यंजन और श का प्रयोग करते हुए एक शब्द बनाने हैं। एक नदियां क्षत्रिय, अज्ञान, चित्र, शम। चलते हैं, हमें इसके क्या करने हैं, इनके हमें सही और गलत का निशान लगाना है। देखिए, वर्णों का क्रमिक स्वरूप वर्णमाला कहलाता है, कहलाता है कि बिल्कुल सही है। हमने जैसा बोला था पहले क ख ग घ, ये इसका सही क्रम है। क्रम मतलब लाइन से, तो बाकी हो गया गलत हो गया। अगर शब्द में ड होता है, बुद्धि वाला ड जब लगेगा इसका प्रयोग होता है, इसलिए वाक्य गलत है। सभी क्रम में लिखना है, तो आप सभी को बताएंगे। इस तरह से हमने इसको सभी क्रम में लिख लिया, सही विकल्प सभी का निशान लगाइए। पहला नंबर, भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि जिसके पूरे नहीं किए जा सकते कहलाती है, क्या कहलाती है, आगे लगाया वर्ण के आगे लगाया, उसको ध्यान से लगा रहा हूं। नंबर टू, वर्ण के भेद होते हैं दो, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। नंबर तीन, कौन से दो व्यंजन वर्ण माला में मान्य हैं, ये तो है ये भी है, तो अन्य कौन से हुए, नीचे बुद्धि लगने वाले ड और चली गई है अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में मिल गई, हिंदी में नहीं, लेकिन हमने उसको ले लिया है, चली गई है अंग्रेजी, कहां से निकल गए, अंग्रेजी भाषा से। इस प्रकार से हमने बुक एक्सरसाइज की सब चीजें समझी। कॉपी पार्ट की तरफ चलते हुए हम देखते हैं पार्ट दो, वर्ड और वर्णमाला। आपको अपना कार्य सुंदर राइटिंग में करना है और अपने अध्यापिका को भेजना है। प्रश्न नंबर एक, वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसके जा सकते वर्ण कहलाती है। प्रश्न दो, वर्ण के कितने भेद होते हैं, उत्तर दो, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। प्रश्न तीन, वर्णमाला किसे कहते हैं, उत्तर, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न चार, ल और ध का प्रयोग करते हुए एक शब्द बनाइए, और क्या हम तंगे रबड़ और चढ़ना।
यानी सिर्फ चंद्र, यानी हम सिर्फ बिंदी, अनुपस्थित यानी चंद्र बिंदु का उपयोग करते हुए एक शब्द बनाते हैं। तो हमने बनाए डॉक्टर ब्राउन चांद। संयुक्त व्यंजन शब्द का उपयोग करते हुए एक शब्द बनाने हैं। उत्तर है कक्षा, चित्र, ज्ञान एवं क्रम। देखिए सिर्फ एक एक शब्द ही बनाने हैं। निम्नलिखित वाक्यों के आगे सही और गलत वाक्य के आगे गलत का निशान लगाना है। वर्णों का क्रमिक समूह वर्णमाला कहलाता है। ये वाक्य सही है। वर्णों का सही क्रम है, ये वाक्य गलत है। रवण शब्द में वर्ण का प्रयोग हुआ है, नहीं, ये वाक्य गलत है। छोटी सी एक्टिविटी कर लेनी है हिंदी में, उसको बोलेंगे हम हिंदी में क्रियाकलाप। देखिए स्वरों को सही क्रम में लगाओ और लिखो। क्या करना है इसमें, एक सर्कल बनाना है, उसके अंदर आपको पूरे स्वर लिखने हैं और उनको एक दूसरे से जोड़ना है। जैसे अ, आम, ई, ई, री, ए, आई, ओ, औ। इस तरीके से आप बॉक्स बना के भी बना सकते हैं, सर्कल बना के भी कर सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं, सुंदर सुंदर राइटिंग में एक दूसरे से ज्वाइन करना है। आपका इसमें क्या हो गया, खेल भी हो गया। और नीचे पूरा आपको इस तरह से क्रम से लिख देना है। इससे क्या होगा, आप लिखना सीखोगे, थोड़ी सी क्रिएटिविटी आएगी, इस तरीके से सुंदर दिखा सकते। सभी को ये पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा, जैसे समझ में आया होगा, स्वस्थ रहे, खुश रहे। आप सभी को मेरा बहुत प्यार, नमस्कार।